बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर में हम उर्दू इंटरमीडिएट साल दोम नज़्म इस्लामी मुसावात, नज़्म तगैयुर और नज़्म आदमी का खुलासा समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नज़्म इस्लामी मुसावात के खुलासे की तरफ बढ़ते हैं। अजीज़ तलबा, यह नज़्म मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी है। असल नज़्म का नाम मदो जज़र इस्लाम है, जो हिंदुस्तान में बर्रे सगीर में मुसद्दस हाली के नाम से मशहूर हुई। आपके निसाब में शामिल ये चंद बंद उसी नज़्म से लिए गए हैं। तो आइए खुलासे का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ तलबा, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के बकौल, जब कोई कौम जवाल का शिकार होती है तो सबसे पहले उसके उमारा मुतासिर होते हैं। अक्लो हुनर से आरी ये लोग अपने दीन से बेखबर और अपनी इज्जत और जिल्लत के तसव्वुर से बेनियाज हो जाते हैं। मजलूमों और मुफलिसों के हाल से बेखबर ये लोग अपनी पुरतायुश जिंदगी में खोकर अपने दीन और अपने दुनिया को यकसर भूल जाते हैं। ये अपने आप को बरतर और आला मखलूक तसव्वुर करते हैं। कीमती लिबास, शानदार क़यामो तआम, नफासत और नज़ाकत इनकी आदत बन जाती है, जबकि दूसरी जानिब गुरबा को सुकून का एक लम्हा भी मुयस्सर नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात को भी तरसते रहते हैं, जबकि कुरान मजीद ने तमाम इंसानों को बराबर करार दिया है और अल्लाह ताला भी उसी शख्स से मोहब्बत करते हैं जो अल्लाह ताला की मखलूक से मोहब्बत करता है। अजीज़ तलबा, आइए अब नज़्म आदमी का खुलासा पढ़ते हैं। ये नज़्म ज़मीर जाफरी ने लिखी है और अजीज़ तलबा, इस नज़्म के पहले शेर को अगर आप देखें तो आपको सारा तसव्वुर जहन में आ जाएगा कि पहले शेर का पहला मिसरा वो लफ्ज़ था से शुरू हुआ, जबकि पहले शेर का दूसरा मिसरा व लफ्ज़ आज से शुरू होता है। तो यहाँ इस शेर से ही ये बात वाज़े हो जाती है कि था कभी इल्म आदमी, दिल आदमी, प्यार आदमी, आजकल जर आदमी, कसर आदमी, कार आदमी। तो यहाँ इस शेर से ये बात वाज़े हो जाती है कि माजी और आज के इंसान का मवाजना किया गया है। तो आइए अब खुलासे का बकायदा आगाज करते हैं। अजीज तलबा, सैयद ज़मीर जाफरी लिखते हैं कि किसी ज़माने में इंसान की कदर व मंजिलत का मियार उसका इल्म और उसका अखलाक हुआ करता था, जबकि आजकल इंसान की इज्जत का मियार दौलत बन चुका है। आबादी बढ़ने के बावजूद बाअखलाक आदमी बहुत मुश्किल से मिलता है। खूबसूरती का मियार भी बदल चुका है। सूखे जिस्म को लोग खूबसूरती की अलामत करार देते हैं। मियारी ज़िंदगी बुलंद करने की दौड़ में आदमी जायज़ और नाजायज़ की पहचान भूल चुका है। इल्म और दानिश की तरक्की के बावजूद जहालत बढ़ती ही चली जा रही है। दौलत की हवस ने इंसान को अपने करीबी रिश्तों से भी दूर कर दिया है। अजीज़ तलबा, आइए अब नज़्म तगैयुर का खुलासा समझने की कोशिश करते हैं। ये नज़्म एहसान दानिश ने लिखी और एहसान दानिश को मजदूर शायर भी कहा जाता है। इस नज़्म में एहसान दानिश ने इस पूरी कायनात में होने वाले इनकलाब और तब्दीलियों पर बात की है। एहसान दानिश लिखते हैं कि ऐ मेरे दोस्त, जो बात मैं कर रहा हूँ इसमें किसी किस्म के शक की गुंजाइश नहीं है कि जिंदगी मुसलसल बदलते रहने का नाम है। दिन रात में तब्दील हो रहा है और खजां बहार की जगह ले लेती है। खुशबू फूल से जुदा होने के लिए बेताब है, जबकि मौसमों को बदलते रहने की आदत है। सूरज और चांद मुसलसल गर्दिश में है ताकि दिन और रात का नक्शा बदलता रहे। शहरों में, बयाबानों में, महफिलों में और शबिस्तानों में इनकलाब इनकलाब की सदाएं हैं। गोया हर जगह तगैयुर का जादू काम कर रहा है।
अजीज तलबा, आज के इस लेक्चर में हमने नज़्म इस्लामी मुसावात, नज़्म आदमी और नज़्म तगैयुर का खुलासा पढ़ा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।